नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैक्टस इन जलंधर में। आज हम आपको फिर से एक बड़े स्पेशल, जो मेरा बड़ा फेवरेट प्लांट है, यूफोर्बिया फ्लैंगनाई। देखिए ये प्लांट, देखिए पहले हमारा यूफोर्बिया फ्लैंगनाई, इसको बोल देते हैं, इसको मेड्यूसास हेड भी बोल देते हैं। आप देखिए, ये तो ऐसे लगता है जैसे सांप की तरह, ये इसकी काफ़ी बड़ी थी, ये स्नेक की तरह ये इसकी बाजू है, मगर मैंने ये उखाड़ दिया। ये नीचे से देखें तो ये भी एक तरह से कोडेक्स प्लांट बन जाता है, मगर मैंने अभी इसको बाहर निकाला नहीं, क्यों, मैं इसको ग्रो करना चाहता हूँ कि बढ़िया। ये काफ़ी बड़ा प्लांट था, मैंने इसको कटिंग की हुई है, वो मैं बताता हूँ क्यों की थी। तो ये प्लांट का नेटिव्स ये कहाँ पर पाया जाता है? ये प्लांट ज़्यादातर पाया जाता है अरेबियन पेनिसुला और अफ्रीका में ये पाया जाता है ज़्यादातर। इस प्लांट में आप देखिए, सबसे पहले तो सॉइल की रिक्वायरमेंट, सॉइल तकरीबन यूफोर्बिया जितने हैं, ये मैंने इसमें सिंडर नहीं यूज़ किया, इसमें मैंने सिलिका सैंड यूज़ किया है, तो बड़ा अच्छा इसमें ग्रो कर रहा है। तो सिलिका सैंड या कोई भी आप पोरस मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है पानी। पानी इसमें प्लांट में अच्छे तरीके से आप पानी डालते रहिए। जब भी आपको लगता है कि अपर की सोयल जो है वो सूख रही है, जो मैंने तरीके बताए हुए हैं पानी के बारे में भी, वीडियोस आपको डाली हुई है ऑलरेडी कि कब पानी देना चाहिए, तो ये पानी भी इसको फोर्बिया वैरायटी को मिलते रहना चाहिए, बिल्कुल सूखा नहीं चाहिए ये। तीसरी चीज़ इसमें जो ज़्यादा रहती है कि न्यूट्रिशन कितना चाहिए। ये प्लांट्स बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं मांगते हैं, इनको आपने कोई भी आप स्प्रे करना है, एनपीके का स्प्रे कर सकते हैं, और यदि बाकियों में आप 5 ग्राम 1 लीटर में डालते हैं, तो इसमें आपने सिर्फ 2 ग्राम या 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में डाल के स्प्रे कर देना है। उसके बाद आपको पेस्ट इसमें देखने होते हैं। पेस्ट में आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वैसे मुझे नहीं आई, बट नॉर्मली इसमें मेलीबग्स भी हो जाती है, स्पाइडर्स की भी प्रॉब्लम आती है, मगर यदि आप थॉरली पानी इसको ऊपर से देंगे तो कम ही प्रॉब्लम आएगी। इसमें फ्लावर्स आप देखिए, यही येलो और ऑरेंज कलर के फ्लावर्स, बड़ा ब्यूटीफुल प्लांट है ये, कितने बड़े पॉट में ये लगा हुआ है, बड़ा अच्छा लग रहा है। इसकी प्रोपेगेशन कैसे करते हैं? इसको सीड्स भी आते हैं, मगर सीड्स से ये इतनी इजीली प्रोपेगेट नहीं होता, तो प्रोपेगेशन करने के लिए हम ये, जैसे ये हाथ इसके बने हुए हैं, तो यहाँ से कट करके, इसको कटिंग करके छोटी छोटी, यही मैंने कटिंग की आपसे, मैंने बताया था अभी, मैंने कटिंग करके इसकी प्रोपेगेशन की है, ताकि और प्लांट्स, कई बार एक प्लांट ख़राब हो जाए, ये प्रोपेगेट मैंने देखिए ये किया है, थोड़ा ज़्यादा सर्दी में हुआ है, और इसको पूरा साल अब कभी भी प्रोपेगेट कर सकते हैं। पर फिर भी इसको यदि स्प्रिंग जब शुरू हो जाता है, सीजन जब ग्रोइंग सीजन है, तो उसमें करिए। इस पर भी अभी देखिए ये छोटे छोटे फ्लावर्स आ रहे हैं, तो ये इसका मतलब है कि सही प्रोपेगेशन इसकी हो गई है। तो ये बड़ा अच्छा प्लांट, बड़ा खूबसूरती इसकी है। अभी धीरे धीरे इसको हम बाहर निकालेंगे नेक्स्ट ईयर, अब इसको निकालेंगे, अभी तो इसको नहीं निकालेंगे। नीचे इसके बड़ा अच्छा कॉडेक्स तैयार हो गया है, तो ये बड़ा ब्यूटीफुल कॉडेक्स प्लांट लगता है। तो ये अलग से ब्यूटी लिए है फ्लैंगनाई। तो ऐसे ही प्लांट्स आप ज़रूर रखिए, फोर्बिया भी बड़े अच्छे प्लांट्स लगते हैं। तो और ज़्यादा कैक्टस और सकुलेंट के बारे में जानकारी लेने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल कैक्टस इन जलंधर। धन्यवाद जी।